अज जी तो हेयरिंग हुई सरदार खान चांडियो बुरहान चांडियो के जो ट्रायल कोर्ट ज्वाइन कर उन सो केस के चैलेंज किया है अस पुरुमीद आयो अदलिया में अज केस प्रोसीड न थी सको उनकी वजह यह हुई तो इत ही जो सो फैसलो महफूज है सो वो फैसलो जज साहब चो तो अस बुधायण का पैरी जाहिर प्रोसीड नथा करे सकूँ सो पुरुमीद आयो अदलिया में और आज क्योंकि जाहिर प्रोसीड नहीं हो सका हमारा केस उसकी वजह यही है कि फैसला महफूज है सरदार खान चांडी और बुरहान चांडी की ज्वाइनिंग वाली जो पॉइंट थी उस पर ही आज आर्ग्यूमेंट्स होने थे और ट्रायल कोर्ट ने ज्वाइन किया था और इन्होंने उसी ऑर्डर को चैलेंज किया है ऑनरेबल हाई कोर्ट में। हम पुरुमीद है पाकिस्तान की अदलिया से और हम यकीन रखते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। इतने पढ़ाई से गुड स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी ग्रूम करने भी काफ़ी फोकस किया वो इतना टीचर्स जाम इनकरेजिंग हूँ अगर तुम भी कामयाबी हासिल करना चाहो एक रोशन मुस्तकबिल की तलाश में आयो तो अज एक यूनिवर्सिटी में दाखिल वो। चार साल कंप्लीट हो गए और मैं चल रही हूँ। अफसोस की बात ये कि इस केस में जो फैसला महफूज हुआ है प्रोसिक्यूटर ने हमें सपोर्ट नहीं किया, हमें अपोज़ किया है और सब सिंध के शऊर वाले लोग देखे, पाकिस्तान के लोग देखे कि मैं सिंध की एक मज़लूम बेटी इंसाफ के लिए दर बदर हूँ और प्रोसिक्यूशन अगर हमें अपोज़ करे तो आप सब समझ सकते हैं कि इनको कातलों को किसकी सपोर्ट है। मैं तो शुरू से ही कहती हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कातलों को सपोर्ट कर रही है, उनको ऑन कर रही है, बैक कर रही है क्योंकि ये सिटिंग MPs बैठे हुए हैं। पर यही है कि मैं सिर्फ अदलिया से उम्मीद रखती हूँ, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखती हूँ, इंशाल्लाह पुरउम्मीद हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। और सरदारों को भी हम बताना चाहते हैं कि ये बेसिकली हमें थकाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ना थकने वाले हैं ना हम झुकने वाले हैं, हम ना बिकने वाले हैं। इंशाल्लाह इंसाफ हमारा हक है और हक हम लेके रहें। अगली डेट कौन सी मिली है? अगली तारीख असंख्य 7 तारीख मिली है। सो यो आ तो प्रोसीड थी केस उनका पैरी अनाउंसमेंट थी जो फैसलो महफूज किया वो आ सो अस पुरउम्मीद आयो इंशाल्लाह सरदारन की यो ही अस पैगाम दे चाहिए तो तक रुजारे ना सो मुख्य मुझी फैमिली के थ्रेड्स आन असा जो सो रिस्क खड़ी कर अचू था पाया पर पाकिस्तान की अदलिया वाहिद मजलूमन की उम्मीद है। अस उम्मीद रखू था तो असा इंसाफ वी करा।